हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी आई एम निशु रावल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट द इफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑफ साइकोलॉजी ऑन अर कोर्स ऑफ इग्नू एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कंटेंट सो बिफोर जंपिंग टू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सब्सक्राइट माई चैनल एंड हिट द हेड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस वीडियो में हम बी सी की यूनिट नाइन के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है कौन कौन से ऐसे फेज होते हैं जिनके थ्रू हम इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन इंक्रीज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल में अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड पार्ट में कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं सेल्फ सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं खुद को रेगुलेट कर सकते हैं खुद के बिहेवियर को तो सबसे पहले देखना है कि सेल्फ रेगुलेशन आखिर होता क्या है वट इज सेल्फ रेगुलेशन तो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर मैनेज योर थाट्स एंड हैंडल योर इमोशंस इन अप्रोप्रिएट वेज कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि अपने थॉट्स को अपने बिहेवियर को और अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना मैनेज करना उनको इट्स लाइक हैविंग एन इंटरनल कंपास दैट गाइड्स यू दैट गाइड्स योर एक्शंस टुवर्ड योर गोल्स तो क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि एक तरीके से कंपास की तरह है जो कि आपके बिहेवियर को आपके एक्शंस को आपके थॉट्स को मॉनिटर करता है और हम खुद के इमोशंस को बिहेवियर को और थाट्स को रेगुलेट करते हैं सही तरीके से हम लोग बिहेव करें हमारे इमोशंस जो है रेगुलेटेड रहें कंट्रोल में रहें वो होता है सेल्फ रेगुलेशन ये हमारी ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को अपने बिहेवियर को और अपने थॉट्स को इनको मैनेज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट वे में तो इसकी डेफिनेशन क्या है सेल्फ रेगुलेशन की तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है सेल्फ रेगुलेशन की सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व बींग अवेयर ऑफ योर बिहेवियर एंड हाउ इट अलाइंस विद योर गोल्स तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस हम अवेयर होते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या है और क्या हम जो चीज़ हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए क्या ये बिहेवियर सही है और जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ए पी ए उन्होंने किस तरीके से क्या डेफिनेशन दी है सेल्फ रेगुलेशन की उन्होंने डेफिनेशन दी है कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है द कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर थ्रू सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ एवेल्युएशन एंड सेल्फ रीनफोर्समेंट इसेंशियली इट्स अबाउट असेसिंग वेदर योर बिहेवियर इज अप्रोप्रिएट और एडजस्टिंग एज नीडेड तो ए पी ए यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी है कि हम अपने बिहेवियर को जो कंट्रोल करते हैं हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग करके सेल्फ एवेलुएशन करके और सेल्फ इन्फोर्समेंट के थ्रू इनके थ्रू हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और मेनली असेस करते हैं कि क्या हमारा बिहेवियर सही है और क्या हमें कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं इसे बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन तो ये डेफिनेशन थी ए पी ए के अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की अब जो सेल्फ रेगुलेशन है वो सेल्फ कंट्रोल से डिफरेंट कैसे है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग टर्म्स कैसे हैं क्या डिफरेंस है इनके बीच में तो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है फोकस ऑन इनहिबिटिंग इम्पल्स कि सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ रोकेगा सेल्फ कंट्रोल में सेल्फ कंट्रोल क्या होता है बेसिकली कि जिसमें हम अपने इंपल्सिस को इनहिबिट करते हैं उसको रोकते हैं और सेल्फ रेगुलेशन क्या है सेल्फ रेगुलेशन इज अ ब्रोडर स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग गोल्स इसमें हम अपने बिहेवियर को मेंटेन करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यानी कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होगा सेल्फ कंट्रोल हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोकेगा इनहिबिट करेगा आपके बिहेवियर को ठीक है अपने इंपल्स को इनहिबिट करना रोकना कंट्रोल में रखना वो गया सेल्फ कंट्रोल सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन में क्या होगा कि आप अपने बिहेवियर को बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं लेकिन सेल्फ कंट्रोल में हमेशा रुकावट होगी हमेशा कम होगा कि आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो आप अब आपने आपको कंट्रोल करोगे ठीक है लेकिन सेल्फ रेगुलेशन में क्या होगा कि आप ये देखोगे कि अगर मैं खाना बहुत ज़्यादा खा रहा खाऊँ या बहुत कम खा रहा हूँ दोनों चीज़ें हो सकती है अगर कम खा रहे तो उसको ज़्यादा करेंगे ठीक है तो वो अपना बिहेवियर ठीक करेंगे हम उसको जो एडजस्ट करेंगे और हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो वहाँ पर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं वो सेल्फ रेगुलेशन है और सेल्फ कंट्रोल में मोस्टली क्या होता है सिर्फ रोकना कंट्रोल करना इनहिबिट करना अपने इंपल्स को तो ये डिफरेंस है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन में थिंक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एज अ द डे टू डे चॉइज यू मेक लाइक ईटिंग हेल्दी और स्टिकिंग टू वर्क रूटीन तो सेल्फ कंट्रोल क्या होगा कि आप अच्छा खा रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम अपने आप को रोकते हैं कहीं ना कहीं ठीक है अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं वो हो जाता है सेल्फ कंट्रोल कि अपने रूटीन में रहना ठीक है अपना हेल्दी खाना कि आप कुछ भी अगर कुछ भी चटपटा कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह खा रहे हैं तो आप अपने आप को गए कि नहीं मुझे नहीं खाना तो वे सेल्फ कंट्रोल जबकि सेल्फ रेगुलेशन क्या है सीट्स ऑफ दी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फॉर दीज चॉइसेस कि हमने ये चॉइस बनाया कि अपने आपको सेल्फ रेगुलेट सेल्फ रेगुलेशन की वजह से कि हम अपने आपको रेगुलेट करना चाहते हैं अपने बिहेवियर को मॉनिटर करके उसको इवेलुएट करके फिर हमने जो है खुद के लिए पूरा फ्रेमवर्क बनाया है वो होगा आपका सेल्फ रेगुलेशन तो सेल्फ रेगुलेशन क्या एक बड़ी टर्म है उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है तो हमने अभी तक पढ़ा कि सेल्फ रेगुलेशन होती होता क्या है सेल्फ रेगुलेशन उसकी क्या डेफिनेशन दी है और ये सेल्फ कंट्रोल से किस तरीके से अलग है अब हम देखते हैं कि वाई इट इज मैटर्स कि सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन इतना जरूरी है क्यों हमारे लिए तो क्यों हमारे लिए इतना मैटर करता है सेल्फ रेगुलेशन इसमें है फिजिकल एस्पेक्ट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स इमोशनल एस्पेक्ट एंड मेंटल एस्पेक्ट तो सेल्फ रेगुलेशन में हमारे फिजिकल मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट में क्या हुआ सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स कंट्रोल फिजिकल इंपल्सिस फॉर एग्जाम्पल इट प्रिवेंट्स लशिंग आउट फिजिकली वैन एंग्री और अपसेट तो फिजिकल एस्पेक्ट में क्या हुआ कि जो आपकी फिजिकल इंपल्सिस है उसको रेगुलेट उसको रेगुलेट करने में मदद करता है सेल्फ रेगुलेशन उसको कंट्रोल करने में मदद करता है सेल्फ रेगुलेशन कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में ठीक है तो उस टाइम पर आप किसी को पीट भी सकते हैं ठीक है किसी पे हाथ भी उठा सकते हैं तो उस टाइम पर आप खुद को जो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करोगे खुद को खुद को कंट्रोल करोगे कि नहीं मुझे गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किसी को मारना नहीं चाहिए फिर कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना चाहिए खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ना किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहिए तो ये आपका फिजिकल एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेशन का कि जहाँ पर हमारी फिजिकल जो इंपल्स है उसको हम कंट्रोल करते हैं दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट्स इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या हुआ वैन अपसेट सेल्फ रेगुलेशन काम्स इमोशंस अलाउंग मोर एक्सेप्टेबल एंड प्रोडक्टिव बिहेवियर इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या हुआ कि मान लो जब अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है वो ज़्यादा अपसेट है उसका दिन बहुत बुरा गया फिर उसकी लाइफ में बहुत बुरी चीजें हुई हैं अभी फिलहाल में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा तो वहाँ पर उसका सेल्फ रेगुलेशन का क्या रोल आया कि सेल्फ रेगुलेशन उसके मूड को ठीक करिए ठीक है अपने आपको काम करेंगे कि हमें हम इतने अपसेट है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं बट हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना सिर्फ बुरा बुरा नहीं सोचना है ठीक है तो ये इमोशनल एस्पेक्ट जो हो गए जो हो गए हमारे उसको भी हम जो है रेगुलेट करते हैं जो भी एक्सेप्टेबल यानी कि जो सोसाइटी के हिसाब से फिर जो भी सबसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसी को हम लोग परफॉर्म करेंगे उसी को जो है उसी को हम लोग परफॉर्म करेंगे और काफी तो प्रोडक्टिव बिहेवियर को हम करेंगे तो यहाँ पर फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या हुआ जो हमारी फिजिकल इम्पल्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं वहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन का रोल आया इमोशनल एस्पेक्ट्स हमारे जो हो गए वहाँ पर भी सेल्फ रेगुलेशन हमारे जो इमोशंस को काम डाउन करते हैं और हमारे इमोशंस को जो है रेगुलेट करते हैं कि हम सही डिसीजन ले पाए उसकी वजह से थर्ड है इसमें मेंटल एस्पेक्ट्स इट्स एसेंशियल फॉर लर्निंग परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग तो मेंटल अवेयरनेस मेंटल एस्पेक्ट्स में क्या कि जो हमारी सेल्फ रेगुलेशन होती है वो हमें लर्निंग में परफॉर्मेंस में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब चीज़ों में हमें हेल्प करती है कि हम पहले तो अवेयर होते हैं वहां पर ठीक है बहुत ही माइंडफुल होकर के हमको डिसीजन लेते हैं अगर हमने कोई गलती करी अपने बिहेवियर में हमने कोई ऐसी गलती करी है लर्निंग में या किसी और चीज में तो वहां पर भी हम खुद को मॉनिटर करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे सेल्फ इवेल्यूएशन करेंगे और फिर अपने बिहेवियर को अगर हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें सुधार की जरूरत है हम उसे सुधारेंगे तो वहां पर मेंटल एस्पेक्ट्स में भी हमारी सेल्फ रेगुलेशन काम आती है तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेशन तो सेल्फ रेगुलेशन क्यों मैटर करता है हमारे लिए क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट को इमोशनल एस्पेक्ट को और मेंटल एस्पेक्ट सबको ही जो है रेगुलेट करता है इन्फ्लुएंस भी करता है इस वजह से हमें सेल्फ रेगुलेशन के बारे में पढ़ना समझना और हमारी लाइफ में हमारे बिहेवियर में सेल्फ रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है फोर्थ है इसमें जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कौन कौन से इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल्फ रेगुलेशन के अभी तक हमने पढ़ा सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है इसकी क्या डेफिनेशन होती है सेल्फ कंट्रोल से किस तरीके से अलग है ये और कौन कौन से ऐसे कि क्यों ये मैटर करता है हमारे लिए इतना कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं इसके अंदर फिजिकल इमोशनल और मेंटल अब हम पढ़ने कौन से इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल्फ रेगुलेशन के तो टोटल थ्री हैं इसके अंदर फर्स्ट है स्टैंडर्ड सेकेंड है मॉनिटरिंग और थर्ड है स्ट्रेंथ तो फर्स्ट है हमारे कॉम्पोनेट्स ऑफ इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन में फर्स्ट है स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स क्या होते, है? होते, हैं। है होते हैं जो आइडियल नॉर्म्स होते हैं है ना जो नॉर्म्स होते हैं जो आइडियाज होते हैं जो सोसाइटी ने मिलकर के बनाए कि कोई चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए ठीक है आपका बिहेवियर किस सिचुएशन में किस तरीके से होना चाहिए तो वो कुछ नॉर्म्स होते हैं ठीक है कुछ आइडियाज होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं जो इंडिविजुअल होता है कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने आप अपने को अपने बिहेवियर को कंपेयर करेगा इन स्टैंडर्ड से कि अच्छा जो आ, कि किसी को अपने पेरेंट्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए ठीक है दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए ये कुछ स्टैंडर्ड्स है अब एक बच्चा है जिसने ऐसा कुछ करा है कि जिसने अपने से बड़े पे हाथ उठाया है या फिर कुछ ऐसा खाया है जो उसे नहीं खाना चाहिए था तो उसके पेरेंट्स या फिर उसकी जो सोसाइटी है फिर उसके आसपास के जो बड़े लोग हैं वो क्या बोलेंगे उसको बताएंगे कि नहीं ये चीज़ें गलत होती हैं क्यों गलत होती है कि हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं कि हमें ये गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें गलत होती हैं और ये गलतियाँ नहीं करनी है तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं हम अपने आप को इन स्टैंडर्स से कंपेयर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आते हैं कि शुरुआत में आपने कोई गलती करी आपको पता नहीं था फिर आपको पता चला कि नहीं ये चीज़ें गलत होती है हमें नहीं करनी है गलती ठीक है तो फिर वहाँ से आपने सीखा और अपने बिहेवियर में जो है चेंजेस लेकर के कि ये गलत होता है तो मुझे आगे से ये चीज़ नहीं करनी है तो ये कैसे पता चला आपको उन स्टैंडर्ड से आपने खुद को कंपेयर करा तो पहला हो गया इसमें स्टैंडर्ड्स अब नेक्स्ट है इसमें मॉनिटरिंग सेकंड है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग क्या होता है कि रेगुलरली इवेलुएटिंग बिहेवियर एंड कंपेयरिंग इट टू स्टैंडर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस की सेल्फ कंट्रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व फोर फेजेस टेस्ट ऑपरेट रेस्ट एंड एग्जिट तो मॉनिटरिंग क्या होता है कि हम खुद को बार 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 इवेलुएट करते रहे अपने बिहेवियर को और उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते रहे ये होता है मॉनिटरिंग कि हम अपने बिहेवियर को चेक करते रहे हैं कि अच्छा मैंने ये काम करा है ये सही था या गलत था हम स्टैंडर्ड से मेनटेन करेंगे कि अच्छा ये ये काम सही था या गलत था अगर गलत था और मुझे गलती नहीं करनी है तो मैं इसको चेंज करूंगा तो ये होती है मॉनिटरिंग कि अपने बिहेवियर को रेगुलरली इवेलुएट करते रहना और कंपेयर करते रहना स्टैंडर्ड से ये हो गया मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग में जो सेल्फ कंट्रो जो थेरी है सेल्फ रेगुलेशन की जो थेरी है सेल्फ रेगुलेशन की कंट्रोल थेरी है जो उसके अकॉर्डिंग चार फेजेस बताए गए हैं कि हम चार फेजेस में हमारी पूरी मॉनिटरिंग होती है कौन से चार फेजेज है फर्स्ट है टेस्ट फेज सेकेंड है ऑपरेट फेज थर्ड है सेकेंड टेस्ट फेज या फिर री इसको बोलेंगे और लास्ट है एग्जिट फेज टॉस टी ओ एस ई टॉस तो टेस्ट फेज में क्या होता है टेस्ट फेज़ में यू कंपेयर योर बिहेवियर विद द स्टैंडर्ड इधर पब्लिक और प्राइवेट फॉर इंस्टेंस यू माइट आस इज माय बिहेवियर कंसिस्टेंट विद द विद वर्ड्स एक्सपेक्टेड तो टेस्ट फेज में क्या होता है कि आपने कोई बिहेवियर करा फिर आप चेक करोगे कि क्या ये बिहेवियर मेरा सही था या गलत था कैसे चेक करोगे कि मान लो आपने कोई ऐसा काम करा है कि कोई छोटा बच्चा है वो गेम्स जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें कभी कभी जो है चीटिंग कर देते हैं या फिर उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ें ये नहीं है ये वो लड़ाई कर लेते हैं तो उस, उसके बाद अगर वो घर आके अपने पेरेंट्स को बताते कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था गेम में ठीक है मैंने ऐसे ऐसे उनके साथ लड़ाई करी है, फिर कुछ भी ऐसा हुआ है फिर उसके बाद वो उन्होंने ये सब बताया कि मैंने ऐसा ऐसा बिहेवियर करा और क्या ये सही था या नहीं था तो उसके पेरेंट्स उसको समझाएंगे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं होती है गेम्स में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो जो एक्सपेक्टेड था कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उसने लड़ाई करी तो उस टेस्ट फेज में उसने क्या करा शुरुआत में उसने कोई बिहेवियर करा वो चेक करा है कि मैंने काम सही करा या गलत करा तो वो हो गया टेस्ट फेज सेकेंड आया ऑपरेट फेज कि अब वो बच्चा क्या करेगा इफ योर बिहेवियर डजेंट अलाइन विद दिस स्टैंडर्ड कि अगर आपका बिहेवियर स्टैंडर्ड से अलाइन नहीं करता है यू मॉडिफाई इट टू मीट द डिजायर्ड क्राइटेरिया इट्स लाइक फाइन ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग योर एक्शंस तो अब सेकेंड ऑपरेट फेज में क्या होगा कि अच्छा उस बच्चे को पता चला कि अच्छा मैंने ये जो काम करा ये गलत था ये स्टैंडर्ड से मीट नहीं होता है क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया से अलाइन नहीं करता है तो अब मैं क्या करूँगा अब वो बच्चा क्या करेगा कि अपने बिहेवियर को सही करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसने गलती करी है उनके साथ लड़ाई करी है गेम में चीटिंग करी है उनको जाकर के सॉरी बोलेगा ठीक है तो ये हो गया उसका ऑपरेट फेज अब उसने सॉरी बोल दिया अब हो गया सेकेंड टेस्ट फेज या री टेस्ट जिसको बोलेंगे यू री इवेलुएट योर बिहेवियर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड हैव यू मेड है नेसेसरी एडजस्टमेंट अब आप अब आप क्या दोबारा चेक करोगे कि आपने जो अपनी गलती मानी है ठीक है जो आपने दोबारा से बिहेवियर करा था रीवेलुएट करके अपने जो बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आए थे मॉडिफाई करा था अपने बिहेवियर को एडजस्टमेंट लेकर आए थे क्या वो सही थी सही करा आपने या फिर अभी भी कुछ कमी बाकी है और लास्ट आ गया एग्जिट फेस एग्जिट फेस में क्या हुआ वैन यू फील योर बिहेवियर कंसिस्टेंटली मीट्स दी स्टैंडर्ड यू एग्जिट द लूप यू हैव सक्सेसफुली रेगुलेट योर एक्शन कि एग्जिट फेस में क्या हो गया कि अब आप इस लूप से बाहर आ गए कि हाँ मैंने उनको सॉरी बोल दिया सारी चीजें ठीक हो गई है अब मेरा बिहेवियर सही हो गया तो अब हो गया मेरा मतलब बिहेवियर मेरा सही हो गया तो मेरे को दोबारा से जो है ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है तो so, पहला क्या हुआ टेस्ट फेज कि आप चेक करोगे कि आपका जो बिहेवियर था वो सही था या गलत था स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करता है नहीं करता है अगर नहीं करता है फिर आप ऑपरेट फेज में चले गए ऑपरेट फेज में क्या होगा कि आप अपने बिहेवियर को दोबारा से ठीक करोगे ठीक है जब आपने दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आए हो फिर आप क्या करोगे दोबारा से चेक करोगे कि अब जो मैंने चेंजेस करे उसके बाद ये जो क्राइटेरिया है उसके साथ मीट करता है स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करता है या नहीं करता है तो वो गया सेकंड टेस्ट फेज या फिर रीटेस्ट लास्ट हो गया एग्जिट फेज एग्जिट फेज़ क्या कि हाँ अब आप आपको सेकंड टेस्ट फेज में या री टेस्ट फेज में पता चल गया कि मेरा बिहेवियर ठीक था स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है सही है तो अब मैं इस इस्टेप से बाहर आ चुका हूँ वो हो गया लास्ट आपका एग्जिट फेज़ क्या आप उस बिहेवियर से बाहर आ चुके हैं जो गलती आपने की थी वो हो चुकी है ठीक आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो चुका है सेल्फ रेगुलेट कर लिया आपने अपने बिहेवियर को तो ये था टेस्ट फेज ऑपरेट फेज सेकेंड टेस्ट फेज लास्ट एग्जिट फेज तो हमने अभी मॉनिटरिंग में फेजेस पढ़े हैं हमने जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े से इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन के कौन कौन से कॉम्पोनेट्स होते हैं टोटल थ्री हैं फर्स्ट है स्टैंडर्ड्स की जो आइडियाज होते हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स सोसाइटी ने क्रिएट कर रहे हैं वो हो गए स्टैंडर्ड सेकंड हो गई मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में चार फेज आते हैं टेस्ट फेज ऑपरेट फेज री टेस्ट और एग्जिट फेज लास्ट है इसमें स्ट्रेंथ लास्ट जो कॉम्पोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन का वो है स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ विल पार तो विल पार क्या होती है कि विल पर भी एक सेल्फ रेगुलेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होती किसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने बिहेवियर को मॉनिटर करे या उसको मॉडिफाई करे उसको लगता है जो मैंने एक बार बिहेवियर दिया जो है जो मेरी थॉट्स हैं जो मेरे एक्शन है इमोशन्स है वही ठीक है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है उनके अंदर इतनी विल विलपारी नहीं होती कि वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके या फिर उसको इवेलुएट करके वो ये चीज़ मान सके एक्सेप्ट कर सके कि हाँ उन्होंने गलती करी है वो स्टैंडर्ड से मीट नहीं करा उनका क्राइटेरिया तो वो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं होती है तो उस स्ट्रेंथ के ना होने की वजह से वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते और उनका बिहेवियर गलत होता है या उनका बिहेवियर जो है स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता और वो उसको रेगुलेट भी नहीं करना चाहते क्यों क्योंकि उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उतनी विल विलपार नहीं है इंडिविजुअल्स कैन बी ट्रेन टू स्ट्रेंथ देयर विल विलपार विच इन टर्न कैन लीड टू इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेन भी करा जा सकता है उनके उन, उनको ट्रेन भी करा जा सकता है क्योंकि अंदर वो विल पार स्ट्रेंथन हो अपनी विल पार को स्ट्रेंथन कर सके वो जिसकी वजह से वो एक इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं तो पहला जो हमने इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो कम्पोनेट्स पड़े उसमें फर्स्ट था हमारा स्टैंडर्ड्स की स्टैंडर्ड्स होने चाहिए चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो आपके खुद के कुछ स्टैंडर्स हो या फिर सोसाइटी ने जो स्टैंडर्स बनाए वो स्टैंडर्स हो वो हमें चेक करना होता है ठीक है स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सेकंड है मॉनिटरिंग कि हमें अपने बिहेवियर को अपने एक्शंस को अपने थॉट को अपने इमोशंस को इवेलुएट करते रहना है बारम बार ठीक है रेगुलरली हमने उसको इवेलुएट करते रहना है और चेक करना है कि क्या वो स्टैंडर्ड से मीट करते हैं नहीं करते है। और जब हम ऐसा करते हैं इसके तो टोटल टो टो चार फेजेज हो जाते हैं हमारे पास टेस्ट फेज ऑपरेट फेज री टेस्ट या फिर सेकेंड टेस्ट टेस्ट फेज जिसे बोलेंगे और लास्ट एग्जिट फेज कि हम उस बिहेवियर के लूप से बाहर आ गए मॉनिटरिंग के लूप से लास्ट होता है स्ट्रेंथन के स्ट्रेंथ कि आपके अंदर इतनी विल पार हो कि आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट करो ओके okay. अपने आप को रेगुलेट करना चाहो इतनी विल पर आपके अंदर होनी चाहिए स्ट्रेंथ तो ये था सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा कि सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है इसकी क्या डेफिनेशन है किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल से अलग है डिफरेंट है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट इमोशनल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट सारे एस्पेक्ट्स को ये इन्फ्लुएंस करता है फोर्थ हमने पढ़ा कि कौन सेल्फ रेगुलेशन के कौन से इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो सेल्फ रेगुलेशन जिसकी वजह से और ज़्यादा अच्छी हो सकती है हमारे फर्स्ट है स्टैंडर्ड दूसरे है मॉनिटरिंग और थर्ड था हमारा स्ट्रेंथ अब है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि सेल्फ रेगुलेशन किस तरीके से डेवलप हो सकते कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग सेल्फ रेगुलेशन इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं तो टोटल सिक्स टेक्निक्स है हमारे पास टोटल सिक्स पॉइंट्स है सिक्स टेक्निक्स है फर्स्ट है इसमें कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग कि हम सेल्फ अवेयर हों अपने बिहेवियर को लेकर के कि हम क्या कर रहे हैं क्या हमारा एक्शन है क्या हमारी स्ट्रेंथ है क्या हमारी वीकनेसेज है इन सब के चीज़ों को लेकर के हम अवेयर होने चाहिए माइंडफुल होने चाहिए हम अवेयर होने चाहिए कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ क्या मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्या ये मेरा जो है वीक पॉइंट है या फिर मेरा स्ट्रेंथ है हमें ये चीज़ें इस सबके बारे में अवेयर होना होगा ठीक है और ख़ुद को मॉनिटर करते रहना होगा इंडिविजुअल बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट दर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और अपनी वीकनेसेस के बारे में काफ़ी ज्यादा हमें पता चलता है कि हम क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो अवेयर होना है और खुद को मॉनिटर करते रहना अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेशन के लिए इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन के लिए सेकेंड है कॉगनेटिव रीअप्रेजल कॉगनेटिव रीअप्रेजल क्या होता है कि हमने एक बार कोई काम करा एक बार कोई हमारे थॉट थे लेकिन उसको उसी तरीके से ना देकर के दोबारा से उसके बारे में सोचना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपके साथ कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई है या फिर कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ जो कि आप उसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे थे सिर्फ और वो आपको बहुत बुरा लगा बहुत दुखी हुए उस टाइम पर कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया लेकिन अगर आप उधर रुक करके कोगनेटिव री कोगनेटिव अप्रेजल करो कोग्नेटिव अप्रेजल मीन्स सिचुएशन को या इवेंट को परसीव करना ठीक है उसको एक्स उसको समझना फर्स्ट टाइम जब हम परसीव करते तो वो हो गया कोग्नेटिव अप्रेजल री अप्रेजल क्या हुआ कि उसको दोबारा से उसको परसीव करना समझना और उसको देखना कि मेरे ऊपर कितनी लागू हो रही है ठीक है मेरे को कितना अफेक्ट कर रही है तो आपने आपके साथ कोई भी इवेंट हुआ शुरुआत में फर्स्ट टाइम आपने जब उसका अप्रेज करा था उस सिचुएशन को लिया था अपने ऊपर तो आपको कैसा लग रहा था कि सारी चीज़ें बहुत गलत हुई है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है या बहुत बुरा हुआ है इस तरीके से आप उसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे थे लेकिन आपने रियप्रेजल करा ठीक है अपने थॉट्स को अपने थॉट पैटर्न्स को दोबारा से मॉडिफाई करा उसको चेक करा उसको देखा कि क्या जो जिस तरीके से मैं सिचुएशन को परसीव करूँ क्या ये सही है क्या मेरे थॉट पैटर्न्स ठीक है मैं सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहा हूँ इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो मैंने देखे ही नहीं तो आप उसको दोबारा से जो पूरी सिचुएशन है जो आपकी थिंकिंग पैटर्न है उसको मॉडिफाई करके दोबारा से आप सिचुएशन को रियप्रेज करें तो वहां पर हो गया रिअप्रेजल कॉग्रेटिव रिअप्रेजल कोग्रेटिव मीन्स कि आप अपने थिंकिंग के ऊपर फोकस करो थिंकिंग को दोबारा से आप जो सोचते थे उसके थॉट पैटर्न को चेंज कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हो और फिर उस सिचुएशन को परसीव कर रहे हो होता है कॉगोनेटिव रिप्रेजल रिप्रेजल दिस मेनली इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ थिंकिंग पैटर्न तो कॉगनेटिव रिप्रेजल में क्या होता है कि हम बेसिकली हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है उसको मॉडिफाई करते हैं दस द थिंकिंग इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस और हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं अपने थिंकिंग को कि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन से मर्जू ठीक है पॉजिटिव इमोशंस हम लोग एक्सपीरियंस करें वो पर्सन फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल दिए हुआ इफ ए स्टूडेंट ऑप्टेंस लेस मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन रादर दें थिंकिंग दैट शी इज नॉट गुड इनफ शी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इन मोर एफर्ट नेक्स्ट टाइम कि अगर एक स्टूडेंट है उसके कम मार्क्स आए एग्जाम में ठीक है उसने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं करा जितने उसकी एक्सपेक्टेशन थी उतना उसको स्कोर नहीं आया अब वहाँ पर ये दुखी होने के बजाय कि मेरे इतने ज्यादा कम मार्क्स आ गए या फिर मैं इतनी वर्थी नहीं हूँ मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा इसकी जगह यह था उसका कॉर्नेटिव अप्रेजल लेकिन वो वहां पर रुक करके दोबारा से अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लेकर के आए और मॉडिफिकेशन करे और फिर सोचे कि नहीं ये सोचना ठीक नहीं है मुझे जो है नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए अब की बार जो हो गया हो गया मुझे नेक्स्ट टाइम पे और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए और और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जितना भी करें उससे ज़्यादा मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ये चीज़ उसको समझनी चाहिए तो ये हो क्या कागनेटिवि रीप्रेजल पहला हमने पढ़ा कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग कि हम जो भी बिहेवियर करें जो भी हमारे एक्शन है जो भी हमारे थॉट्स हैं सबको लेकर के हम अवेयर हों और उसको मॉनिटर करते रहें पहला जो पहली जो टेक्निक है वो ये है सेल्फ रेगुलेशन की इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन की सेकंड है कागनेटिव रीअप्रेजल करें हम अपने थॉट्स को थॉट पैटर्न को मॉडिफाई करें इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन के लिए थर्ड है इसमें थर्ड टेक्निक माइंडफुलनेस थर्ड टेक्निक है माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस क्या है माइंडफुलनेस कैन बी डिस्क्राइब एज द एबिलिटी टू बी सेल्फ अवेयर एज एज वेल एज बीग प्रजेंट अबाउट वेयर वन इज बट ही और शी इज डूइंग एंड नॉट बींग ओवरली रिएक्टिव और गेट इन गिफ्ट इन गफ्ट बाई वट इज हैिंग अराउंड वन सेल्फ द ब्रेथिंग एक्सरसाइज इज माइंडफुलनेस हेल्प इन मैनेजिंग इमोशनस एंड नेगेटिव फीलिंग्स एंड दस हेल्प्स इंड सेल्फ एवुलेशन तो माइंडफुलनेस क्या है माइंडफुलनेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी वो एबिलिटी हमारे अंदर ऐसी हमारी जो ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग सेल्फ अवेयर हो कि हम लोग कहाँ पर हैं किस जगह पर हैं क्या हमें इस जगह पर इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवरली रिएक्टिव भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप गुमसुम भी नहीं बैठे रह सकते ठीक है तो बिल्कुल अवेयर हो अपने सिचुएशन में अपने अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको लेकर के अवेयर हो माइंडफुल हो वो होगा माइंडफुलनेस कि खुद के बारे में अवेयर हो कि हम किधर हैं और हमारा हम क्या कर रहे हैं इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए और जो ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं माइंडफुलनेस में हम ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज करते हैं अच्छे से जिसकी वजह से हमारे इमोशंस जो है मैनेज होते हैं हम ओवरली रिएक्टिव नहीं करते ओवरली रिएक्ट नहीं करते और जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं हमारी वो भी कंट्रोल में आती है ठीक है तो माइंडफुलनेस में हम क्या करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ रेगुलेशन और ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोर्थ है इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड क्या डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन इवेंट्स पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प अस इन डेवलपिंग बेटर सेल्फ रेगुलेशन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कि आप सिर्फ सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो सिर्फ उसकी बुरी बुरी चीजें मत देखो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आओ अपने सिचुएशन को लेकर के आसपास के लोगों को लेकर के इवेंट्स को लेकर के होपफुल हो अपनी लाइफ में ठीक है उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चीज़ों के देखो सिचुएशंस के देखो इससे भी आपकी सेल्फ रेगुलेशन क्या है डेवलप हो सकती है आपके अंदर और इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन हो सकती है फिफ्थ है स्ट्रेस मैनेजमेंट

स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स सब इन्फ्लुएंस होते हैं और सब हम सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज भी होती है योगा भी होती है और जो है कॉगोनेटिव बिहवियल टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें आप अपने थॉट्स पर फोकस करते हो ठीक है तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर करना सीख लेते हो इफेक्टिव मैनेजमेंट आ जाती है आपको स्ट्रेस को स्ट्रेस uh, को मैनेज करने की तो आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपको सिक्स तो है इसमें टाइम मैनेजमेंट डिसाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ रेगुलेशन कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हेल्प करती हैं आपको सेल्फ रेगुलेशन में इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट टेक्नीस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है सेल्फ रेगुलेशन में कौन कौन सी टेक्नीस हैं सेटिंग प्रायोरिटीज़ हैविंग प्लानर हैविंग क्लियर गोल्स एंड सो ओन कैन हेल्प कैन हेल्प मैनेज टाइम इफेक्टिवली कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के आपके सारे गोल सेट हो आपको पता हो कि आपके पूरे दिन में करना क्या है तो आपके पास जब आपके पास एक पूरा प्लान होता है प्लान होता है कि आपको इतने टाइम पे ये काम करना है तो आपके पास काफ़ी टाइम बच भी जाता है वेस्ट नहीं करते टाइम को और आपको पता होता है कि आपको क्या क्या करना है तो आधा स्ट्रेस तो आपको उधर भी कम हो जाता है और आपके जब पूरे दिन के टास्क में आपने पहले से टाइम टेबल अपना बना के रखा है कि मेरे को इस टाइम में आज पूरे दिन में ये सारा काम करना है और जब आपका डे के एंड में आप देखते हो कि आपके सारे काम पूरे हो चुके तो आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आता है जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होता है आप एक पैटर्न में आ जाते हो आप जो है आपकी लाइफ जो रूटीन पे आ जाती है तो इसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा साथ में आपके सेल्फ रेगुलेशन भी इंक्रीज़ होगी तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनके थ्रू हम लोग इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं और किसी के अंदर सेल्फ रेगुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स थी फर्स्ट थी इसमें हमारी कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग कि हमें सेल्फ अवेयर होना और खुद को मॉनिटर करते रहना अपने बिहेवियर को अपने को और अपने एक्शंस को लेकर के सेकंड थी कोवनेटिव रियप्रेजल की सिचुएशन को सिर्फ एक बार में जैसे हमने देखा वैसा ना देख करके वैसे सोच वै, अपनी ना रख करके अपने थिंकिंग पैटर्न पे फोकस करना है थिंकिंग पैटर्न पे और उसको मॉडिफाई करना है उसके सिर्फ पॉजिटिव जो इमोशंस है ऐसे एक्सपीरियंस हम करें सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को इस तरीके की हमें थिंकिंग रखनी है ऐसे मॉडिफाई करना है अपनी थिंकिंग को थर्ड थी माइंडफुलनेस कि हम अवेयर हो कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं ओवरली ओवरली रिएक्ट ना करें और सिचुएशन में बिल्कुल खो ना जाए अपने आसपास के एनवायरमेंट में अवेयर रहें आसपास के एनवायरमेंट को लेकर के हम कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं अपनी इमोशंस को मैनेज करें नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज करें ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है माइंडफुलनेस में ब्रथिंग एक्सरसाइजेज़ का यूज करा जाता है जिसके थ्रू हम सेल्फ रेगुलेशन को जनरेट कर सकते हैं हेल्प करते हैं सेल्फ रेगुलेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने में फोर्थ आ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमें अपनी सिचुएशन आसपास के लोगों और इवेंट्स को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है सिर्फ बुराइयां नहीं देखनी है अच्छाई भी देखनी है फिफ्थ आ स्ट्रेस मैनेजमेंट कि अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उनका यूज़ करना है उनके थ्रू भी हम क्या है सेल्फ रेगुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं एनहांस कर सकते हैं सिक्स था टाइम मैनेजमेंट कि अपने टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है सेल्फ रेगुलेशन में तो ये था सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट और कौन कौन सी टेक्निक्स होती है सेल्फ रेगुलेशन को जनरेट करने की डेवलप करने की किसी भी इंडिविजुअल में तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स कंसेप्ट समझ में आए हो और लास्ट हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक बचता है वो है सेल्फ एनहांसमेंट और वेरियस टेक्निक्स दैट पीपल यूज़ टू एनहांस देयर सेल्फ तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में और अगर वीडियो आपको अच्छी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं पार्ट में